नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक होंगे। कनौजिया ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कुवैत में जो छूट चल रही थी 17 मार्च से लेकर के वो पहले 17 जून को एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद में कुवैत के गृह मंत्रालय ने फिर उसको आगे बढ़ाया 15 दिन के लिए, जो कि 30 जून को, जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है, 30 जून को एक्सपायर खत्म हो रही है। तो इसका जिन जिन लोगों ने फायदा उठाया है, चले गए थे, उन लोगों के लिए तो वो दोबारा फिर वापस आ सकते हैं। माफी का विरोध करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग अभी माफी को जो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, नहीं जाएंगे, अब उन लोगों के लिए क्या है, अभी 30 जून के बाद देशव्यापी कार्रवाई शुरू करेगा। इसमें होगा क्या, जो लोग चले गए हैं निर्वासन से पहले वीजा उल्लंघन कर्ताओं के लिए 4 स्थलों में आवंटित किया गया है, यानी कि 4 अलग अलग जो है उसमें कैटेगरी में बांट दिया गया है। अभी जो है चेकिंग अलग अलग तरीके से की जाएगी। उसमें क्या दिया है, आंतरिक जो मतलब अंदरूनी मामलों के जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि निवास कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ी सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। जब देश छोड़ने को उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उन लोगों 2 सप्ताह का और समय सीमा दिया गया था, जो 30 जून को खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी भी इसका फायदा नहीं उठाया है, तो अब वो लोग कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें अब क्या होगा, व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे और सूत्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी उल्लंघनकर्ताओं को, जो भी ऐसे लोगों को अपने पास में रखे गया उनको शरण देगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। आंतरिक और रक्षा मंत्री शेख फहद यूसुफ साउद अल सबा के निर्देश के अनुसार सुरक्षा निवास मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी कि कितने लोग यहां पे जो है इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा जो बिना काम वीजे के रह रहे हैं। तो भाई लोग, ये ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग, अधिकारियों ने कहा है कि इन स्थलों में जो जेल बनी है, सुलेबिया जेल परिसर में जो है, उसमें आवास और बहुत से लोगों को जो पकड़ कर रखा गया है, उन लोगों ने कहा है कि कानूनी तरीके से प्रक्रियाओं को पूरा होने पर उनके निर्वासन की तैयारी में लगभग 3500 लोग ऐसे हैं जो मतलब वहां पे बंद हैं, उन लोगों को अभी टिकट का अरेंजमेंट कैसे क्या करना है ये सब देखा जाएगा, क्योंकि इन लोगों के लिए अभी इनका कोई वो नहीं है। तो अब इन लोगों के लिए जो भी है, अभी इतना जल्दी से जल्दी हो सकता है इन लोगों को भेजा जाएगा। और अभी भी 40,000 से अधिक उल्लंघनकर्ता जो है इस बीच में चले गए हैं, बाकी के जो है यहीं पे अभी रह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए अभी 30 जून के 1 जुलाई से भाई लोगों बहुत ही तगड़ा निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, और जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनको फिंगर करके भेज दिया जाएगा। तो आप लोग, अभी 2 दिन का समय है, आप